लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर उल्टी गिनती जारी है। वहीं जहां अब चुनाव को सिर्फ 3 दिन शेष रह गए हैं, वहीं हर सियासी पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा आखिरी पड़ाव के तहत अपना शक्ति प्रदर्शन करके वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत लोकसभा पटियाला से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार महारानी परनीत कौर ने अपनी पार्टी के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रैली को संबोधन करने के लिए नाभा पहुंची। वहीं जब कैप्टन अमरिंदर सिंह भाषण करने के लिए महारानी परनीत कौर के साथ खड़े हुए तो सैकड़ों कुर्सियां खाली हो चुकी थी और लोग कैप्टन के विचार सुनने से पहले ही वहां से जा चुके थे। और इस मौके पर कैप्टन ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 1986 नकोदर गोलीकांड की जांच की जाएगी और जल्दी ही केस को ओपन किया जाएगा। 1984 पर कैप्टन ने कहा कि ये दंगे किसी पार्टी के नहीं है, मैं वहां खुद ही गया था। 1984 अकाली और बीजेपी को इलेक्शन के वक्त ही याद आते हैं। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा STI जांच करेगी, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा दोषियों को सजा मिलेगी। इस रैली में विशेष तौर पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री सात सिंह धर्मसोत और हल्का ब्लॉक के विधायक काका रणदीप सिंह नाभा रैली में विशेष तौर पर पहुंचे। इस मौके पर MLA काका रणदीप और मंत्री सात सिंह धर्मसोत, कैप्टन अमरिंदर सिंह, महारानी परनीत कौर ने रैली को संबोधित किया। इस तरह का मैं थोड़ा होनी तक क्या सारा पंजाब कट्ठा पे है, सारिया सीटा असी 13 दी 13 सीटा असी जिता गए और कोई शक नहीं, मैं कोई हाले जगह नहीं छड़ी, सारे च मैं घूमे आया हर सीट के बिच और बहुत जोश है लोगों का। वो भी डिपार्टमेंट इज लुकिंग इन टू दैट इशू। ये सिर्फ यही नहीं कि बरगाड़ी, लेकिन कांड जरा पहला एक बार बंद हो गया, लेकिन एक बार कोई ऐसे कोई शक की गल निकले वो दोबारा ओपन हो सकता है, असं रीओपन कर रहे हैं। आने ने चंगी गल है, आ जा देखो, मैं थोनू 10 बार कहा, मैं थोनू कई बार कहा प्रेस न कि उस जड़ा कांड होया है, मैं वो चारों दिन उत्थे ही सी, मैं उरों गया है, बरनाला और बलवंत सिंह वापस भेजता सी पालम तो, सलाह रविंदर सिंह, मैं, मेरे ब्रदर और मेरे जड़े दूजे भाई ने सलाह रणधीर सिंह, असी उत्थे पहुँचे। 4 दिन असी सारे कैंपा च घूमे, सारे जगह घूमे जिथे गड़बड़ हो रही सी। उहदे विच 5 बंदे से जिन्हों का नाम है कि असी कांग्रेस नाल संबंध रखते हैं, और 22 बंदे से जेडे तुगलक रोड पुलिस स्टेशन दे विच BJP दे बंदियां दे नाल आए से कि इन्होंने कांड दे विच हिस्सा पाया, और जेडे आउट से बाहरले पिंडां दे विचों लोग आए से उन्होंने भी हिस्सा इहदे विच पाया सी। सो ये कांड ए वाइड स्प्रैड सी, किसी पार्टी नाल या किसी चीज़ नाल संबंध नहीं सी। मैं सुन रहा 84 तो हर इलेक्शन याद आती है, हुण तुसीं उत्थे बैठे हो, तुसीं सरकार च बैठे हो, उदों तां तुसीं कोई नाम नहीं लैणा, जदों तुसीं ओपोजिशन च हो जांदे हो फिर तुहानूं 84 याद आ जांदी है। मैं कोई अंदर नहीं करूँगा, मैं तुहानूं 10 बार कहा, साडा सिस्टम है, साडा संविधान है, साडा कानून है, एंड वी हैव पुट अप SIT।
एसआईटी अपना पहला करेगी अपनी पूरी पड़ताल और फिर वो कोर्ट के बीच लेके जाएंगे और अगर ये अंदर जाएंगे तो कोर्ट करूंगी अंदर। मैं किन्नी बार मैं तो कौन है, मैं तो कहता सी जिस दिन असि आवांगे खत्म हो जाऊंगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अमरदीप आहूजा की रिपोर्ट नाभा। गुरुवार के दिन लुधियाना में शिरोमणि अकाली दल के सदस्य सरदार महेश इंदर सिंह ग्रेवाल ने एक मीटिंग के दौरान कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे उस पर खरी नहीं उतरी। कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ करने का वायदा किया लेकिन आज किसान लोग कर्ज के बोझ से खुदकुशी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहिब की कसम खाई थी लेकिन जो वायदे किए थे उस पर खरे नहीं उतरे, इसलिए कांग्रेस को वोट नहीं देनी चाहिए। इस मीटिंग में मुख्य मेहमान सरदार जसविंदर सिंह साबका काउंसलर सरदार नरोत्तम सिंह गुरमीत सिंह करार गुरप्रीत सिंह सरदार सरवंत सिंह पासी शामिल इंटरेस्ट कोई नहीं क्योंकि वो झूठ बोल के पावर च आ गए। जो कुछ किया सी ओदे उल्ट कर रहे ने। जेड़ियां रायतां सरदार प्रकाश सिंह बादल ने दित्तियां सी ओह खो रहे ने। अज यही वजह है तुसी हैरान होंगे कि राहुल गांधी जब मुल्लापुर आया ओदे कट ही नहीं सी होया पहला था। फिर जिहड़ा कट सीगा जब वो स्टेज तो लाउंदे सी कि नारा बोलो तो लोग सौ जांदे सीगे। मैं क्या कि जी तो जेब कट्टी हो रौला की पाऊगा वो तो चोर चोर कहूगा कि चोर 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 कांग्रेस चोर ही निकली ना जी। क्या कि कर्जा माफ करांगे, बजुर्ग नूं पेंशन देवांगे, बेरोजगार बच्चे नूं नौकरी देवांगे, मोबाइल फोन देवांगे, कीता कुछ नहीं। सो अज साडे लई सिर्फ ते सिर्फ एक चीज विचारन वाली आ, वो की है। मैं समझदा कि जे लुधियाणे दा वोटर वो गल नूं अंडरस्टैंड कर जावे अकाली दल ने कोई प्रॉब्लम नहीं। वो की है कि आ झाड़ू तो जोड़ा आह लाल डब्बा कूड़ा कूड़ा बॉक्स पोस्ट बॉक्स नहीं कूड़ा बॉक्स ये है स्पॉयलर। ये कांग्रेस की एजेंसीज ने यह एंटी कांग्रेस वोट को सपलिट करने खड़े किए हुए हैं। प्रचार दो दिन पर असी गरेवाल साहब तीन दिन ही समझते हैं। असी उन्होंने दिन भी पिछे नहीं हटना है। ये इलाका इतने सर सरवग सिंह पासी जी बैठे आ, इतों असी बूथ तो बड़ी वड्डी लीड लैके निकलते हैं और इस वाले तुम देखो कि 9 बजे तक 9:15 बज गए, संगत तुहाडा इंतजार कर रही है। मेरे वीर सर बलजिंदर सिंह पंगू जी और समुची इन्हों की टीम जी सारी ढींसा जी की आ भोला जी की रहनमई हेठ इन्होंने तहैया किया वा प्रण किया वा अज कि बहुत वड्डी लीड लैके ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਢਿੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਠ ਬੜਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ 37 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਕਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਟੀਵੀ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ। संगरूर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार केवल सिंह ढिल्लों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए शिक्षा मंत्री ओपी सोनी विशेष तौर पर पहुंचे, जहां अलग अलग वर्गों के लोगों से मीटिंग की है। वहीं केवल सिंह ढिल्लों की बड़ी जीत का दावा भी ठोका। ओपी सोनी ने कहा कि केवल सिंह ढिल्लों मेरे करीबी मित्र हैं जिनके पक्ष में वोट मांगने के लिए खास तौर पर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि संगरूर के लोग उन्हें बड़ी लीड से जितवाएंगे। ओपी सोनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वायदे करके सत्ता में आई और पंजाब में भी 4 सीटें जीते थे। इस बार लोगों को इन सब का पता चल गया, इसलिए इनकी एक भी सीट नहीं आएगी और ये सपने पीएम बनने के देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की 13 सीटें कांग्रेस जीतेगी और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के विरोध पर भी उन्होंने कहा कि विरोध का मुख्य कारण लोगों से किए हुए वायदे हैं जिन्हें पूरा नहीं किया गया। लोकसभा 2019 मैं ज़्यादा लंबा इस करके नहीं बोलना क्योंकि सत्कार योग अंकल इतने साढ़े दरम्यान पहुंचे ने तो ज़्यादा विचार उही थोड़े न रखे। मैं तो सिर्फ तुहानू एक मैसेज ये देना
कि तुसी अपने स्कूलों में जरूर सारे मैसेज कन्वे करो कि जो लोकसभा की वोट आज के कहीं दो आइडियोलॉजी की दो चंगी सोच के आपस के बीच लड़ाई है। एक ने जिहड़े आपां नूं दोबारा जो पुराने समय के धर्म उन्नी मई वाले दिन ताड़ियां वोटां नाल पार्लीमेंट के कैंडीडेट चुन के जाना है तो साड़ी पार्टी ने साड़ी हाईकमान ने मेरे वड्डे वीर बहुत वजिया बहुत वजिया जी। मैं पहलों उत्थे सी लहरा काका बड़ी वड्डी उत्थे रैली सी तो उत्थे 1015 तो करीब बड़े स्याणे सारे सुजर विद्वान सन सो बड़ा तगड़ा रिस्पोंस मिल रहा हूँ। धूरी च आए हैं होर भी जाना एक दो जगह से सो मैं समझना 19 तरीक वाले दिन वोटा पैनिया 23 नूं जिदन रिजल्ट आना उस वेल तुम वेखो साडा कैंडीडेट केवल सिंह ढिल्लों जी बड़े वड्डे मार्जन से जितणगे और हिंदुस्तान की पार्लीमेंट जाएंगे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनना उन्होंने हाथ मजबूत अरविंद केजरीवाल संगरूर दौरे पे हैं दो दिनों तो दो केजरीवाल जी मैं कहना नहीं चाहूँगा वो जो कहें करते ने सो एवं लोगों गुमराह करते ने सो गल बड़िया करते ने करके भी कुछ विखाउन दिल्ली बड़ा रौला पाया सी इन्हां साडी एजुकेशन बड़ी अगे जा रही है हिंदुस्तान उन्होंने पुछो जे एडा तुसीं जोर ला के इन्नी एजुकेशन का उत्थे दिल्ली आंदे जी काम किया तो फिर पंजाब नालों 20% रिजल्ट जिहड़े ने वो इन्हां दे डाउन आए ने सो गल्लां ते बड़िया करते ने काम करने बड़े औखे ने सो जे एडा इन्हां दा जोर हुंदा इन्ने काम किए होंगे तो पहलों इन इलैक्शन हुई पंजाब एक सीट नहीं ना कोई पंचायत इन्हां दा सरपंच जितया ना कोई इन्हां दा ब्लाक असैंबलियां जितया ना इन्हां जिला परिषद जितया 22 इलैक्शन होए ने इन्हां दीआं जमानतां जब्त हुई ने सो तुसीं वेखो कित्थे कारपोरेशन दे इलैक्शन होए ने एक कौंसल नहीं बना सके तो पार्लीमेंट एड्डी वड्डी इलैक्शन हुंदी आ हिंदुस्तान की मेन इलैक्शन जिते हिंदुस्तान की सरकार बननी है ये गल्लां करदे ने हुण पार्लीमेंट दे मैंबर कित्थों जिताउणगे कोई नहीं जितना साडियां सारियां आउणगियां 13 दीआं 13। टीवी 1 इंडिया न्यूज़ के लिए सुखविंदर सिंह की रिपोर्ट संगरूर। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर उल्टी गिनती जारी है। चुनाव के लिए आखिरी प्रचार करने का सिर्फ आज ही दिन शेष रह गया है जिसके चलते नाभा में पहुंचे पंजाब के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा पटियाला की उम्मीदवार नीना मित्तल के हक में रोड शो किया। इस रोड शो में सैकड़ों की तादाद में उनके वर्कर साथ थे। नाभा में अरविंद केजरीवाल ने बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर वार करते हुए कहा कि जो बीते दिन संगरूर जिले में बेअदबी हुई है अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल के साथ सख्त कार्रवाई करते तो दोबारा बेअदबी नहीं होनी थी। केजरीवाल ने कहा कि कैप्टन बुरी तरह से हार रहे हैं, आप लोग स्वयं ही उनको कुर्सी से उतार देंगे। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। केजरीवाल ने अमरिंदर सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि अमरिंदर सिंह ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया और न ही वो गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं जबकि मैंने खुद ही गांव-गांव में जाकर चुनाव प्रचार किया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं अब आज मेरा 5वां दिन है और संगरूर बठिंडा कल फरीदकोट में थे आज पटियाला में हैं। मनीष सिसोदिया जी 6 लोकसभा कवर कर चुके हैं तो चारों तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पंजाब में बेअदबी लगातार चलती है अकाली सरकार में आप बिल्कुल आप सियासी रोटियां सेकते हैं ये दोनों आप क्या कहना चाहते हैं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और लोग इससे बहुत नाराज हैं। कैप्टन साहब इसी वादा करके आए थे कि बेअदबी करने वालों को हम सख्त सजा देंगे लेकिन कैप्टन साहब सत्ता में आते ही बेअदबी करने वालों से तो हाथ मिला लिया उन्होंने। उनके साथ रल मिल के अब काम कर रहे हैं तो जनता धोखा महसूस कर रही है। अगर कैप्टन साहब बादलों के खिलाफ शुरू में ही सख्त कदम उठा लेते तो अभी पिछले हफ्ते दोबारा जो बेअदबी हुई है वो दोबारा बेअदबी का मामला नहीं होता। अब वो जनता उनको वैसे ही हरा देगी वो चिंता ना करें। हारने के बाद तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जितनी पिछली बार आई थी उससे ज़्यादा आएंगे। प्रकाश सिंह बादल क्या बोल रहे हैं कैप्टन साहब क्या बोल रहे हैं उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता को कैप्टन साहब ने वादे किए थे जनता ने कैप्टन साहब ने कहा था मैं रोजगार दूंगा
मीडिया को पूछना चाहिए ना कैप्टन साहब से रोजगार क्यों नहीं दिया। कैप्टन साहब ने कहा था मैं कर्जे माफ करूंगा, मीडिया को पूछना चाहिए, जनता पूछ रही है तो जनता के सवाल मीडिया को भी उठाने चाहिए। ये जो तूतू मैं बादलों ने ये बोल दिया, कैप्टन ने ये बोल दिया, बादलों ने ये बोल दिया, कैप्टन ने ये बोल दिया, बादलों ने, ये राजनीति से जनता को कोई लेना देना नहीं है। मैं जनता के बीच में घूम रहा हूँ, जनता को क्या चाहिए? जनता को स्कूल चाहिए, जनता को अस्पताल चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को कर्जा माफी चाहिए, जनता को स्वामीनाथन रिपोर्ट चाहिए। वो वाले मुद्दे हम लोगों को उठाने चाहिए। वो मुद्दे जनता पूछ रही है कि कैप्टन साहब ने ढाई साल के अंदर किया क्या। मैं पिंड पिंड में जा रहा हूँ वोट मांगने के लिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री आके पंजाब में एक एक पिंड में जा रहा है, कैप्टन साहब तो वोट मांगने भी नहीं निकलते, कैप्टन साहब तो अपने घर से ही नहीं निकलते, एयर कंडीशन से ही नहीं निकलते, जनता के बीच में ही नहीं जाते, जनता की समस्याओं को कैप्टन साहब का क्या, कैप्टन साहब को क्या पता। आइए आज TV1 इंडिया न्यूज के लिए अमरदीप आहूजा की रिपोर्ट, नाभा।